हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस देखिए, आज हम आपको जनरल इलेक्टिव यानी कि जीई जो आपका कोर्स है, ये सब्जेक्ट कोर्स है ये आपका एक जनरल इलेक्टिव का, इसमें जो आपका ये सब्जेक्ट है हिंदी सिनेमा और इसका अध्ययन, आज हम इसके बारे में आपको इसका सिलेबस स्टार्ट करवा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो हिंदी है बहुत बच्चों की अलग भी होगी और बहुत बच्चों की ये वाली हिंदी होगी, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। तो आज हम हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन का सिलेबस स्टार्ट करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका नाम है बुक का, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, बुक का नाम है ये। इसमें यूनिट नंबर 1 आता है कला विद्या के रूप में सिनेमा और उसकी सैद्धांतिकी। इसमें पॉइंट नंबर 1 आता है आपका सिनेमा का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय जो होता है वो बताते हैं हम। सिनेमा ने सामाजिक यथार्थ को खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। सिनेमा को केवल मनोरंजन सीमित नहीं किया गया जा सकता, बल्कि सिनेमा समाज को गहराई तक प्रभावित भी करता है और खुद प्रभावित भी होता है। यानी कि सिनेमा जो है सिर्फ मनोरंजन तक ही नहीं है, ये एक समाज को प्रभावित भी करता है और खुद भी प्रभावित होता है समाज से। यानी कि जो ऐसे इमोशनल पिक्चर्स भी हैं इसमें कि जो समाज को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करती हैं। कला मनुष्य की सृजनात्मक की परिचायक है। मनुष्य ने कभी अपनी अभिव्यक्ति तो कभी मनोरंजन के लिए अनेक कलाओं का निर्माण किया है। हिंदी सिनेमा जिसे बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी भाषा में फिल्म बनाने का उद्योग है। बॉलीवुड नाम अंग्रेजी सिनेमा उद्योग हॉलीवुड के दश पर रखा गया है। यानी कि पहले हॉलीवुड होता था लेकिन अब बॉलीवुड रख दिया है। हिंदी फिल्म उद्योग मुख्यतः मुंबई शहर में बसा है। यानी कि जो हिंदी की जो पिक्चरें बनाते हैं, जो भी उसमें अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं? मुंबई शहर में। ये फिल्में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और विश्व के कई देशों के लोगों के दिलों की धड़कन है। यानी कि बहुत लोगों को इतनी पिक्चरें पसंद आती हैं कि उनकी दिल की धड़कनें बन जाती हैं। अधिकतर फिल्मों के कई संगीतमय गाने होते हैं। इन फिल्मों में हिंदी की हिंदुस्तानी शैली का चलन है। हिंदी और उर्दू खड़ी बोली के साथ साथ अवधी, बम्बिया, हिंदी, पंजाबी और पंजाबी जैसी भाषाओं का भी संवाद और गानों में उपयुक्त होते हैं। यानी कि पंजाबी सॉन्ग्स भी होते हैं और बम्बिया सॉन्ग्स भी होते हैं। प्यार, देशभक्ति, परिवार, अपराध, भय इत्यादि मुख्य विशेष होते हैं। यानी कि एक पिक्चर में प्यार भी होता है, देशभक्ति भी होती है, परिवार भी होता है, अपराध भी होते हैं और भय भी। ज़्यादातर गाने उर्दू शायरी पर आधारित होते हैं। भारत में सबसे बड़ी फिल्म निर्माताओं में से एक शुद्ध बॉक्स ऑफिस राजस्व का 43% का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि तमिल और तेलुगु सिनेमा 36% का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्षेत्रीय सिनेमा के बाकी 2014 के रूप में 21वां गठन है। बॉलीवुड दुनिया में फिल्म निर्माण के सबसे बड़े केंद्र में से एक है। बॉलीवुड कार्यकर्ता लोगों की संख्या और निर्मात फिल्मों की संख्या के मामलों में दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म उद्योगों में से एक है। किसी भी राष्ट्र के आत्म उसकी संस्कृति होती है। यानी कि किसी भी राष्ट्र का जो आत्मा है उसकी संस्कृति होती है। यानी कि वहाँ पे जो भी संस्कृति चल रही है उसकी क्या होती है? राष्ट्र की आत्मा होती है। बॉलीवुड ने भारतीय संस्कृति को, भारत की आत्मा को मिटाने का कार्य दर्शकों से किया है और ये नेपोटिज्म, भारतीय सनातन धर्म विरोध, भारतीय सेना का निरंतर अपमान, पाकिस्तान प्रेम, भारत का राष्ट्रीयकरण था 2019 के लॉकडाउन में बड़ी फुढ़ता, अमर्यादा, अनैतिकता और अश्लीलता के कारण आम जन के निशाने पर आ गया है और इसका पूर्ण बहिष्कार भारत में 2019 से ही निरंतर जारी है। तो आप समझ गए होंगे गाइस कि सिनेमा का सामान्य परिचय क्या है। तो आपको ये मैंने बता दिया है, बहुत अच्छे से नोट्स में बनाया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है कला रूप में सिनेमा के सैद्धांतिक समीक्षा। यानी कि सेकंड पॉइंट आता है आपका, फिल्म या सिनेमा एक समग्र कला रूप है जिसमें कैमरे से लेकर कंप्यूटर तक कई ललित कला रूपों, प्रदर्शन कला परंपराओं, साहित्य के सम्मेलनों और तकनीकी उपकरणों की विशेषता शामिल है। यानी कि जो कैमरे में से लेकर कंप्यूटर तक जो ललित कलाओं के रूप होते हैं, प्रदर्शन कला होती है, परंपराएं होती है, साहित्य सम्मेलन होता है, तकनीकी उपकरण होते हैं, उसमें सभी शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं? कला रूपों में होते हैं। सिनेमा कहानी कहने का रूप है या 20वीं शताब्दी का कथात्मक रूप है। यानी कि जो कला रूप में चीज़ें आई हैं उनके बारे में है ये। थर्ड पॉइंट आता है आपका सिनेमा की व्यवहारिक समीक्षा। व्यावसायिक सिनेमा दर्शकों की मनोरंजन आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि जो मनोरंजन की चीज़ें, दर्शकों की मनोरंजन आवश्यकताओं पर, कि जो हमारे देखने वाले हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो हमें हमारे से कैसे आकर्षित हो रहे हैं। व्यावसायिक सिनेमा दर्शकों को हर समय संगीतमय गीतों के साथ प्रस्तुत
व्यावसायिक सिनेमा दर्शकों को हर समय संगीतमय गीतों के साथ प्रस्तुत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस प्रकार ये व्यावहारिक सिनेमा की अधिक लोकप्रियता की ओर ले जाती है, यानी कि जो उनके जो उन्हें पसंद होता है दर्शकों को वो उसकी इच्छा उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं और उनकी ओर लोकप्रियता हासिल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है सामाजिक यथार्थ और सिनेमा। सामाजिक यथार्थ और सिनेमा। सामाजिक यथार्थवादी फिल्में आमतौर पर वास्तविक चित्रणों और स्थानों का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी कि जो उसमें चित्र बनाए हैं चित्र के ऊपर पिक्चर बनाते हैं और स्थान जो होते हैं किसी जगह का स्थान होता है उसके ऊपर प्रतिनिधित्व करती हैं। ये राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के गंभीर प्रतिनिधित्व और अन्वेषण वाली फिल्मों को संदर्भित करता है। प्रकाश आमतौर पर प्राकृतिक होता है, जिसका अर्थ है इससे लेंस या सॉफ्ट लाइटिंग का उपयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सिनेमा की भाषा का समाजशास्त्र। भाषा समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है और सिनेमा समाज के लोगों के लिए ही होता है। सिनेमा किसके लिए होता है? समाज के लोगों के लिए होता है। समाज और समय और समाज से ही सिनेमा शब्दावली ग्रहण करता है, यानी कि जिस टाइम पे जो जो वक्त चल रहा है उसी टाइम पे उसी तरह की पिक्चरें बनती हैं। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर आपके टाइम पे पुरानी पिक्चरें हम लोग चलाएंगे तो वो फ्लॉप हो जाएंगी, नहीं चलेंगी इतना, क्योंकि जो आपकी जनरेशन है वो ओल्ड पिक्चरें नहीं देखती है। आपकी जनरेशन क्या है, न्यू पिक्चरें ज़्यादा देखती है। और अगर यही पिक्चरें पहले बन के आती, यही संस्कृति, फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर हम ये पूरा कंप्लीट कर लेते फिर अपने वर्डिंग में समझाएंगे। जिससे प्रारंभ से लेकर आज तक भाषा के कई रूप आ रहे हैं। भारतीय समाज की भाषा हिंदी होने के कारण हिंदी के विकास में सिनेमा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब गाइस देखिए, हम आपको अपने वर्डिंग में समझाते हैं ये टॉपिक कि जो आपकी पिक्चरें हैं वो अगर हम पहले चलाते, पहले की संस्कृति कैसी थी कि बहुत लोग चटक मटक के कपड़े पहनते थे और पूरे गहने से भरे हुए होते थे और पूरी मतलब लहंगे वगैरह चोले वगैरह ऐसे कपड़े पहनते थे। तो अगर हम यही पिक्चरें जो आज पिक्चरें आ रही हैं अगर हम ये पुराने ज़माने में चलाते तो सबको ये लगता कि तो अश्लीलता फैल रही है, इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के सब लोग पिक्चरों में आ रहे हैं। बट अब क्या, उस टाइम की जो संस्कृति थी उस टाइम पे चली, और अब क्या हो रहा है, जो अब संस्कृति चल रही है अब वैसी संस्कृति, अगर हम पुरानी पिक्चरें अब चलाएंगे तो सबको ये लगेगा कि यार ये तो ओल्ड पिक्चर है, ओल्ड है, सब चीज़ें और दिखा रहे हैं इसमें, न्यू संस्कृति कुछ भी नहीं है, न्यू ना डिज़ाइन है। तो गाइस थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही, हमने आपको शॉर्ट नोट समझाने की कोशिश की। थैंक यू, आई होप कि आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।